मीनू एंड मैं मतलब मैंने एकेडमिक्स भी करती हूँ, फिल्म मेकर भी हूँ, अभी फिल्में बनाती भी हूँ. सो आई एम ऑल्सो इन टू थ्योरी, आई एम इन टू प्रैक्टिस एंड आई एम फ्रॉम इंडिया एंड आई हैव बीन पार्ट ऑफ द असर इंस्टीट्यूट फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम. आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ एज अ स्टूडेंट ऑफ दिस इंस्टीट्यूट. आई थिंक दैट्स इनफ. ओके, सो आई थिंक ये है कि बींग द लास्ट वन टू स्पीक, एक्चुअली मोस्ट ऑफ द रेलिवेंट क्वेश्चंस यू नो हैव बीन आस्क्ड एंड ये सारे क्वेश्चंस फिल्म को भी लेके उतने ही रेलिवेंट है. यू नो लाइक द क्वेश्चन अबाउट दैट मधिया आस्क्ड अबाउट यू नो वेदर नाउ देर इज अ डिस्कनेक्ट और यू नो वेदर देर इज अ कनेक्ट बिटवीन द वुमेन्स मूवमेंट एंड आर्ट प्रैक्टिसेस. या जो आपने कहा अबाउट यू नो कि प्रोलिफरेशन है बहुत ज्यादा मीडिया की, लेकिन उसमें क्या हैज दैट लेड टू बेटर यू नो सॉर्ट ऑफ हैज दैट लेड टू एन एडवांटेज फॉर द वुमेन्स मूवमेंट. एंड ऑफ कोर्स यू नो जस्ट नाउ व्हाट शीमा टॉक्ड अबाउट यू नो विद इन द डोमिनेंट स्ट्रक्चर्स हम किस तरह स्पेसेस ऑफ रेजिस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं. ऑल ऑफ दिस इज वैलिड फॉर फिल्म. I've been given 5 minutes to speak, so I thought ki sort of a good way to break this very broad topic up would be ki main isko do aspects mein break kar do ki feminism aur film ya women's movement aur film ke do hisse hue hain. Ek to hissa hai jo theory ka hissa hai, yani ki film criticism ya film theory, us pe bahut zyada kaam hua hai. It's you know I'm sure all of you are familiar with it. The other side is the side of practice, which is about women making films, right? So I want to touch upon both these aspects. So as far as film criticism is concerned, and as far as film criticism is concerned, so you all know ki you know the success of film criticism has been massive. Like representation ke hawale se जो काम फेमिनिस्ट ने किया है, जो काम वुमेन्स मूवमेंट से निकला, उसकी जो सक्सेस थी वो ट्रिमेंडस थी. आई मीन इट वॉज ह्यूज. इट चेंज द शेप ऑफ डिसिप्लिन्स अक्रॉस द वर्ल्ड. वी ऑल नो दिस, राइट? इट चेंज द वे ऑफ सीइंग, यू नो जो हम कहते हैं देखने का नजरिया. नजरिया जो है वो ही तब्दील कर दिया फेमिनिस्ट ने, वुमेन फिल्म थियोरिस्ट ने. आई वोंट गो ओवर दैट वेरी लार्ज सॉर्ट ऑफ डिसिप्लिन, बट इफ आई वॉज टू सॉर्ट ऑफ कंडेंस की वट वॉज द सेंट्रल सवाल जो फिल्म क्रिटिसिज्म और फेमिनिस्ट एंड वुमेन फ्रॉम द मूवमेंट रेज्ड अबाउट पॉपुलर सिनेमा, मेन स्ट्रीम सिनेमा, देन इट वॉज द क्वेश्चन अबाउट द एब्सेंस ऑफ वुमेन्स सब्जेक्टिविटी इन पॉपुलर सिनेमा. की जो औरतें हैं उनके खुद के एहसास, उनका खुद का नजरिया, उनकी खुद की एक्सपीरियंस, उनके खुद का लाइफ ही कम्प्लीटली एबसेंट है मेन स्ट्रीम पॉप्यूलर सिनेमा से, चाहे वो हॉलीवुड हो, लॉलीवुड हो, बॉलीवुड हो, कुछ भी. और दूसरा उनका ये सवाल था कि जो औरतों को देखा जाता है सिनेमा में वो इट्स एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ द मेल गेज, मर्दों की आंखों से औरतों को देखा जाता है. दीज वर द टू वेरी क्रिटिकल सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन. यू नो आई एम ऑफकोर्स सिंप्लीफाइंग the theoretically very complex, but I'm kind of simplifying this whole thing to say that this was the central sort of question thrown up by the women's movement, by the feminist film theorists. What this led to was tremendous, and I think all of you know this, ki ye jo lens hame feminists ne diya, us lens ke wajah se race, caste, class, is sab pe is kisam ka kaam hone laga. कि अब लोगों ने देखना शुरू कर दिया कि किस तरह से मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स जो हैं, चाहे वो औरतें हों, चाहे वो ब्लैक वुमेन हों, चाहे वो यू नो लोअर कास्ट की वुमेन हो, वो किस तरह उनकी सब्जेक्टिविटी एब्सेंट है मेन स्ट्रीम और पॉपुलर सिनेमा से. सो दिस इज द वर्क दैट हैपेंड इन फिल्म क्रिटिसिज्म. नाउ दिस क्वेश्चन ऑफ वुमेन सब्जेक्टिविटी लेड टू द रिजल्टेंट ऑब्वियस कनेक्ट है उसका with what you know you began with, which is about practice. We got the theory, right, that women are absent and women's subjectivity is absent. So now this leads to the question of practice.
ना उससे सवाल उठे अबाउट कि कोई ऐसी चीज है फेमिनिस्ट एस्थेटिक जैसी कोई चीज हो सकती है, इज देयर समथिंग लाइक अ फेमिनिन सब्जेक्टिविटी, इज देयर समथिंग लाइक अ फेमिनिस्ट और अ फेमिनिन इमेजरी, यू नो कैन देयर इज देयर अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ काउंटर सिनेमा, ये सारे सवाल इस थ्योरी से रिलेट हो गए. एंड ऑफकोर्स विमेन्स मूवमेंट हैज ऑलवेज लिंक्ड दिस क्वेश्चन टू द क्वेश्चन ऑफ विमेन मेकिंग फिल्म्स, विमेन मेकिंग देयर ओन आर्ट, विमेन टेलिंग देयर ओन स्टोरीज, राइट, जस्ट लाइक विमेन राइटिंग देयर ओन हिस्ट्रीज, विमेन बींग इन पॉलिटिक्स, एग्जैक्टली लाइक दैट. कि अगर प्रैक्टिस में विमेन आएंगी तो उनकी ऑटोमेटिकली सब्जेक्टिविटी पार्ट ऑफ मेन स्ट्रीम नैरेटिव बन जाएगी. सो दिस वॉज यू नो द लिंक. नाउ ऑब्वियसली आप आई एम श्योर ये ऐसा होता है कि काफी जो मेन फिल्म मेकर्स हैं वो भी एक फेमिनिस्ट सॉर्ट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से फिल्म बना सकते हैं, राइट. सो आई एम नॉट सेइंग दैट दैट्स नॉट पॉसिबल, बट नॉनदलेस वी ऑब्वियसली नो दैट फॉर अस एज द वुमेन्स मूवमेंट द क्वेश्चन ऑफ वुमेन प्रैक्टिसिंग, वुमेन टेलिंग देयर ओन स्टोरीज हैज ऑलवेज बीन सेंट्रल. ठीक है, तो आई एम गोइंग टू फोकस ऑन दैट. सो नाउ गोइंग टू मूव, सो आई हैव डन द थ्योरी, नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट प्रैक्टिस अ लिटिल. तो प्रैक्टिस में यू नो सबसे ज्यादा जो हमने सेलिब्रेट किया है सिनेमा के हवाले से, और मैं यहाँ फिक्शन के बारे में ज्यादा बात कर रही हूँ, तो वी हैव रियली सेलिब्रेटेड द पैरेलल सिनेमा मूवमेंट ऑफ इंडिया. हमने हर समय वी लुक्ड एट दैट सिनेमा फॉर स्ट्रॉन्गर फीमेल कैरेक्टर्स, बेटर यू नो मोर रियलिस्ट एस्थेटिक्स एक्सेट्रा. लेकिन एक्चुअली एज फार एज प्रैक्टिस इज कंसर्न एंड विमेन मेकिंग मूवीज इज कंसर्न, there weren't that many parallel cinema filmmakers who were women, right? Please help me here, I've got a few names here. I think there was Aparna Sen, there was Sai Paranjpe, there was Aruna Raje, later on there was Kalpana Lajmi. These are some names that I can think of, and even Aruna Raje and Kalpana Lajmi are in a much later cycle of films, you know, they are not in the early cycle of films. So there weren't that many women filmmakers in the parallel cinema movement. Now, if we talk about a contemporary, आजकल जो हो रहा है, actually there are more women filmmakers, right? So, I mean, again, help me with names. Mainstream industry में हम देखें तो Zoya Akhtar हैं, और बताएं जरा आप, Nandita Das हैं, Meera Nair हैं, और Deepa Mehta हैं, Gurinder Chadha हैं, बहुत ज्यादा हैं, Gauri Shinde हैं, Soni Tapuri वाला है. और यहाँ पे पाकिस्तान में भी सबिया सुमार, मेहरीन जब्बार, बहुत है, राइट. सो देयर लॉट ऑफ मोर लाइक इन प्रैक्टिस मैं हूँ, ठीक है. सो देयर आर इन प्रैक्टिस देयर आर लॉट ऑफ मोर विमेन फिल्म मेकर्स नाउ, राइट. अच्छा, सो नाउ वी कम टू द सेंट्रल क्वेश्चन, ठीक है, कि डज हैविंग विमेन फिल्म मेकर्स लीड टू विमेन्स सब्जेक्टिविटी बींग पार्ट ऑफ फिल्म. क्योंकि यही सवाल था ना जो विमेन्स मूवमेंट ने हमें पोज किया था, कि जो विमेन की सब्जेक्टिविटी है वो एबसेंट है मेन स्ट्रीम सिनेमा. सो हैविंग विमेन फिल्म मेकर्स चेंज दैट, दिस अ क्वेश्चन, आई एम नॉट गोइंग टू आंसर इट, आई वॉन्ट यू ऑल टू थिंक अबाउट इट. वेल आई डू थिंक इट हैज, माई ओन पर्सनल ओपिनियन इज इट हैज चेंज थिंग्स. आप अगर आजकल की कमर्शियल फिल्में देखेंगे उसमें वुमेन सब्जेक्टिविटी इज राइट एट द सेंटर, यू नो, चाहे वो एक ऐसी औरत के बारे में फिल्म हो जो इंग्लिश सीखना चाहती है, ठीक है, इट्स अ वेरी मिडिल क्लास प्रिविलेज नैरेटिव, लेकिन इट इज अबाउट वुमेन सब्जेक्टिविटी. अगर आप जोया अख्तर की फिल्में देखेंगे तो उसमें जो औरतें हैं दे आर ऑलवेज रिप्रेजेंटेड एज द मोर एथिकल बींग्स. कुछ नहीं तो ये जरूर होगी कि वो ज्यादा एथिकल चॉइसेस करती हैं. सो देयर इज अ सर्टन काइंड ऑफ अ ट्रांसफॉर्मेशन इन द वे इन विच women's subjectivity has come to the centerfold in cinema. Now these women would be really coy about calling themselves feminists, you know. Agar aap unse ye poochhein ki kya aap feminists hain, wo kahenge nahi, hai toba nahi, bilkul bhi nahi, aisi koi baat nahi. Now I think that has more to do with their ignorance, you know. It has more to do with their ignorance of what this term means, you know, kyunki actually wo feminists hain, ठीक है. एंड द फैक्ट दैट दे वर एबल टू सी द मदर्स लाइफ विद द लेंस दैट दे हैव सीन इट एंड देयरफॉर मेड अ फिल्म अबाउट हर यू नो स्ट्रगल टू गेन रिस्पेक्ट अमंगस्ट हर चिल्ड्रन, एज इन गौरी शिंदे फिल्म, इट्स अ वेरी मेन स्ट्रीम फिल्म.
तो वो लेंस तो विमेन्स मूवमेंट ने हमें दी, यू नो दैट वे ऑफ सीइंग, एज आई एम सेइंग, वी गॉट दैट फ्रॉम फेमिनिस्ट स्ट्रगल. सो आई जस्ट थिंक दैट दीज वुमेन आर जस्ट इग्नोरेंट, बिकॉज आई डोंट नो व्हाट इट इज अबाउट फेमिनिज्म दैट दे डू नॉट क्लेम, बिकॉज डेफिनेटली देयर फिल्म्स वुड कम आउट फ्रॉम दोज स्ट्रगल्स. तो और फाइनली आई विल जस्ट सॉर्ट ऑफ यू नो, बिकॉज आई वॉन्ट टू टेक क्वेश्चन एंड आई नो दैट फिल्म के बारे में एवरीबडी वॉन्ट्स टू से समथिंग, सो आई यू नो लीव इट फॉर द डिस्कशन. सी द थिंग इज दैट आई डिडंट मेंशन डॉक्यूमेंट्रीज, एंड आई एम श्योर दैट द फर्स्ट क्वेश्चन दैट विल कम अप इज की आपने डॉक्यूमेंट्रीज के बारे में क्यों नहीं बात की. सी द थिंग इज दैट डॉक्यूमेंट्रीज एंड विमेन्स मूवमेंट या किसी भी मूवमेंट का रिश्ता इज अ मोर डायरेक्ट वन, राइट. डॉक्यूमेंट्रीज एज अ फॉर्म हैज बीन अबाउट सोशल एंड पोलिटिकल इशूज. So obviously people in any kind of political struggles choose this form immediately. तो इसलिए मैंने ये question नहीं raise किया, क्योंकि ये इतना problematic relationship कभी रहा ही नहीं. Documentary फिल्मों में बहुत औरतों ने women's movement, feminist issues, social issues को लेकर बड़ी फिल्में बनाई. This is the not so problematic area, which is why I didn't talk about it. It is popular cinema. It is mainstream cinema. It is that is the place हमें fascinate भी इसलिए करता है क्योंकि वो popular culture का part है. So इसलिए I wanted to talk about that. So I think I'll sort of leave you with some questions which we can talk about. मेरा पहला question ये रहेगा कि ऐसा क्यों है कि women's movement और जो feminism का रिश्ता, जो theory और criticism के साथ जो उसका रिश्ता रहा है, it has been very profuse in analysis but very diffuse in practice. So itna zyada rishta raha with criticism, with academia, with research, with theory, so much so that as I'm saying it really radicalized many disciplines. Lekin jab hum practice mein aate hain to wo rishta thoda weak hai, you know, and so I would like to pose that question, why is it that has happened, and I know there are very obvious answers related to that. And yesterday, you know, Bunny talked about the Babar Ali syndrome. So I want to also talk about that a little. Because, see, the thing is ki we are very quick, as Marxist feminists, we are very quick to dismiss, you know, a lot of films made by women. Saying, arre, ye to privileged narrative hai, ye to ek upper class aurat ki freedom ko leke, kuch pata nahi, koi westernized kism ki ye baate ho rahi hai yaan. My thing is ki, yes, I think ideally what we want is to develop positions which engage with all kinds of, you know, marginalized groups, class, caste, etc. Aisa hona chahiye. Lekin jahan tak ki, you know, hum log, as far as women are concerned, their subjectivity has been absent, you know. So if actually we are getting films from women who have access, you know, because it's a question of access really, तो वो फिल्में बना रही हैं जो प्रिविलेज नैरेटिव्स पे हैं, लेकिन वो विमेन सब्जेक्टिविटी को सेंटर पे रखती हैं, तो हमें उन फिल्मों को डिसमिस नहीं करना चाहिए. आई थिंक वी कैन सी देम एज अ मूवमेंट विच होल्ड्स अ मोर रेडिकल पॉसिबिलिटी फॉर द फ्यूचर, ठीक है ना. सो आई दैट इज माई पोजिशन, राइट, नोइंग वेरी वेल कि विमेन सब्जेक्टिविटी और यू नो एक औरत का फिल्म मेकर होना, मतलब उसका मतलब ये नहीं होता कि वो फेमिनिस्ट फिल्म होगी. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग द मोर रेडिकल पॉसिबिलिटी इन द फ्यूचर. आई थिंक आई सेड मोस्टली व्हाट आई वांटेड टू से, सो आई लीव द रेस्ट फॉर क्वेश्चन.